हेलो फ्रेंड्स, आप ये घी देख रहे हैं, ये घर का बना हुआ घी है। इसे मैंने पानी से बनाया है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इस घी को मैंने पानी से बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा घर का एकदम शुद्ध घी है। गाय की मलाई का बना हुआ घी है, बिल्कुल ही शुद्ध एकदम प्योर घी। तो हेलो फ्रेंड्स, यम्मी फूड एंड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है, जहाँ बनती है हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी। तो ये देखिए, मेरे पास 5 से 6 दिन की मलाई थी, जिसे मैंने एक डब्बे में डाल करके फ्रिज में रख रखा था। तो आप देख सकते हैं मलाई कितनी गाढ़ी है, एकदम बिल्कुल बिना दूध की मलाई है ये। तो अब मैं इसी से घी बनाऊंगी, लेकिन घी बनाने के लिए मैं इसमें सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने जो इस डब्बे में मलाई है ना, इस मलाई का आधा पार्ट मिक्सी के इस जार में ब्लेंड करने के लिए डाल दिया। आधी मलाई को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी मलाई है, बिल्कुल दूध का एकदम भी अंश नहीं है इसमें। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे। अब देखिए, मैंने आधा जार लगभग मलाई से भर दिया है और आधा खाली है। इसमें लगभग आधे गिलास के लगभग मैं पानी डालूंगी। पानी डाल करके इसके ढक्कन लगा दूंगी और मिक्सी में 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करूंगी। तो आप ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं कितना क्रीमी पेस्ट बन गया है, बिल्कुल पेस्ट जैसा फॉर्म हो गया है। ये पेस्ट एकदम आप किसी भी सब्जी में भी अगर मेयोनीज की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम मैं इसमें और आधा ग्लास के लगभग मैंने पानी डाल दिया है। तो अब इस पानी को हम इस जार में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जब हम मिक्सी चलाएं तो ये पानी ऊपर की ओर ना निकले। तो अब देखिए, मैंने फिर वापस से 1 से 2 मिनट चलाया और अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और घी से मलाई से मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप देखिए, ये एकदम बटर के फॉर्म ले चुका है। तो अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में सारा जितना भी ये है सब निकाल देंगे, जार से पूरा इसमें खाली कर देंगे। तो ये जो बटर है, इसकी जगह मैंने फिर सेम उसी प्रोसेस से, जो मलाई हमारी बच गई थी उसको मैंने सेम प्रोसेस से वापस से मक्खन निकाल लिया है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से देखिए आप, एकदम कितना अच्छा मक्खन अलग हो गया है और पानी अलग हो चुका है। तो अब इसे भी मैं उसी में डाल दूंगी। अब देखिए, जार में थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने इसमें पानी डाल करके इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे सारा इसमें निकाल लिया है। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन अलग और पानी अलग, पानी एकदम दूध के फॉर्म में आ गया है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा रविश थी ना, वो सारी पानी में मिक्स होकर के उसका मट्ठा अलग हो गया और ये मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम हाथ से ही इसे अच्छे से इकट्ठे करते हुए पूरा निकाल लेंगे और पानी को उसी में हम झाड़ लेंगे। हाथ से उसे ऐसे हाथ में गोला जैसे बना करके उठाएंगे और थोड़ा सा ऐसे 1 मिनट उसमें थोड़ा सा हल्का सा वेट करेंगे तो जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाएगा। और ठीक उसी तरह से बस ये सारी मलाई को मैंने कढ़ाई में इकट्ठे कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्का सा ही पानी है। ये पानी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कढ़ाई में जब हम गैस पर चढ़ाएंगे तो जल जाएगा। तो इसे आप इस तरह से आप कच्चा बटर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मक्खन मट्ठा जो हमारा निकला, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हमारा बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा, इसका मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो इसे हम एक साइड अभी आप हम रख देते हैं इसे और चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अगर आपको कच्चा बटर चाहिए तो आप इसमें से पहले थोड़ा निकाल लीजिए और फिर आप इसको वापस से गैस पर चढ़ा दीजिए। देखिए कैसे डालते ही तुरंत जैसे ही मैंने गैस जलाई ये पिघलना शुरू हो गया। अब आप पिघल रहा है तो आप देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे घी ही बन गया है तुरंत, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं, ना इसमें खुरचन निकलेगी ना कुछ, और बिल्कुल ये पिघलता जाएगा, तुरंत ही पिघल जाएगा। ये देखिए पिघल गया है। अब पिघलने के बाद ये ऊपर की ओर बबल्स की तरह फूलने लग जाएगा, बिल्कुल जैसे उफनता है दूध, बिल्कुल उस तरह से उफनने लग जाएगा। तो इसे हम अभी जैसे ही ये पिघल करके उफनने लग जाए तो इसे हम चलाते रहेंगे। ये 1 मिनट में ही ये कैसा बिल्कुल एकदम क्लेरिफाइड जैसा होने लग गया है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे घी रेडी हो चुका है, एकदम इस तरह का फॉर्म में आ गया। ये पिघलने के बाद अब देखिए, ये बिल्कुल जलने के बाद जब हम इसे 1 से 2 मिनट वापस ऐसे ही चलाते हुए रखेंगे तो घी अलग हो चुका है अब इसका। और अब इसे हम थोड़ा सा इसमें कलर आने देंगे, हल्का सा कलर जैसे जैसे आएगा ये एकदम तेज़ी से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
चलाने से क्या होगा, अगर हम इसे नहीं चलाएंगे ना तो ये वापस पूरा घी बाहर की ओर निकल जाए, क्योंकि घी में जब हम घी बनाते हैं तो घी बिल्कुल ऊपर की ओर फूलता है। तो ये देखिए, इसमें जैसे जैसे हम इसे ऊपर की ओर, जैसे जैसे ये रेडी होता जाएगा, बिल्कुल इसमें झाग बनता जाएगा और ये ऊपर की ओर उठता जाएगा, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही बनाना है। तो ये घी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, बस अभी अगर आप इस स्टेज पर अगर आप इसे रख लेते हैं, अगर आपको हल्का लाइट कलर का चाहिए तो आप इस स्टेज पर गैस बंद कर दीजिए, आपका घी बिल्कुल रेडी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर इसका डार्क अच्छा लगता है, तो मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, एक मिनट और ज़्यादा मैं पकाऊंगी। तो अब आप देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब ये एकदम बिल्कुल जैसे लगेगा कि उसमें हवा भर गई है, बिल्कुल उस तरह का ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। इस टाइम हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए कैसे इसमें एकदम बिल्कुल झाग जैसा हो गया है, और इस टाइम इसे कंटिन्यू चलाते रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप छोड़ देंगे तो ये घी सारा कढ़ाई से बाहर की ओर निकल करके बाहर गिर जाएगा। तो हमें इस टाइम ये ध्यान रखना है कि गैस को बंद करके इसे 1 से 2 मिनट कंटिन्यू चलाते रहना, ताकि झाग पूरा बैठ जाए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट अब आप देख सकते हैं झाग बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारा घी रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा डार्क कलर का घी बनाया है, और अगर आपको लाइट रखना है तो आप 1 मिनट पहले इसको बंद कर दीजिए। और देखिए ये मैंने घी इसमें छान लिया है, और अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए बिल्कुल इसमें जो जरा सी खुरचन थी इसे भी मैंने छान लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी रह गया था। तो ये मैं पूरा इसमें छान लूँगी। और एकदम चलनी हम एकदम पतली वाली यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पतली वाली चलनी नहीं है तो आप किसी भी चलनी को रख कर उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख दीजिए और उसमें घी डालकर आप छान सकते हैं। तो ये देखिए हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना क्वांटिटी में घी निकला है, और ना ही कोई खुरचन, कोई वेस्ट नहीं निकला इसमें, एकदम क्लेरिफाइड घी एकदम हमारा रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कितना सा वेस्टेज मटेरियल निकला है, बिल्कुल एकदम छोटी चम्मच के बराबर, एक जरा सा, सिर्फ एक छोटे चम्मच हमारा निकला है। और अगर हम ऐसे ही मलाई से घी बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा खुरचन निकल जाता है, फिर हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे एक डब्बे में डाल करके रख दे रही हूँ कि ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए बिल्कुल पिघला हुआ है। तो लगभग थोड़ी सी देर के बाद, अब ये देखिए हमारा ये जो मट्ठा है, अब मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, ये मट्ठा भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी रवा की ली है, सूजी को मैंने इस मट्ठे से मैं भिगो दूँगी। ये जो सूजी में जब हम ये मट्ठा मिलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, इसका कुछ भी अगर हम ढोकला बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, और इतनी सॉफ्ट बनती है कि आप को क्या बताऊं। आप एक बार इस तरह से इस मट्ठे से बनाकर देखिए तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही अच्छा ये इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप इससे भिगो करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और फिर जैसे नॉर्मली इडली और ढोकला बनाते हैं वैसे ही बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने भी आज इसका यही यूज़ किया है, इसे भिगो करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है, और फिर मैं इसका कुछ नाश्ता बना लूँगी। तो ये देखिए अब मैं घी की तरफ वापस आते हैं, तो ये घी को मैं ढक करके छोड़ दूँगी, और लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये घी बिल्कुल जम गया है। तो सही में बना है ना बिल्कुल पानी से घी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये आपको, और शेयर ज़रूर करिए। साथ में अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।